झांसी की रानी। पाठ 10 कक्षा 6 के प्रश्न उत्तर। आज हम क्या करेंगे? झांसी की रानी के प्रश्न उत्तर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें। प्रश्न नंबर 1। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। प्रश्न, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो ये है हमारा क नंबर 1 प्रश्न। तो 1 का प्रश्न का उत्तर क्या है? इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। तो किसकी ओर संकेत है? लक्ष्मीबाई बाई जी के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु की तरफ संकेत है। नंबर 2 ख पाठ। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, राजा की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। यानी कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मुसीबतों की घड़ी टूट पड़ी और एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? तो इसका उत्तर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। यानी कि जो अंग्रेज है बहुत लंबे समय से भारत पर राज्य कर रहे थे, तो इस वजह से जो हमारा भारत था वो गुलामी में बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, इसलिए उसको बूढ़ा कहा। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। अब क्या हो गया था कि लोगों के मनों में ये आ गया था कि अब हमें अंग्रेजों से गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, हमने स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इस वजह से उन्हें नई जवानी की तरफ जाने का इशारा किया गया है। प्रश्न नंबर 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसकी कहानी आपने पाठ पढ़ा है ना, तो उसके आधार पे ही आपने लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। क्या था? छबीली। लक्ष्मीबाई को मन्नू के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। यानी कि जो शिवाजी कुछ बातें करते थे, कथाएं सुनाते थे, वो लक्ष्मीबाई को एकदम याद थी। उनसे जब मर्जी सुन लो, यानी कि जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। वो सचमुच में नहीं ये करती थी, वो नकली का नाटक करती थी ये सारे खेल खेलने के। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था।
विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सोचा कि झांसी की जो रानी है वो तो अकेली रह गई, इसलिए वो उसको हत्याना चाहते थे। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इतना भयंकर युद्ध किया अंग्रेजों के साथ, लेकिन वो बच नहीं सकी। क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गई। वे हमारे सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझती रहती थी। मतलब जैसे हम लोग खेल खेलते हैं ना, आप बच्चे हो आप खेल खेलते होंगे, वो उस तरह के खेल नहीं खेलती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थे। शिवाजी वीरता की कहानी याद थी। क्या थी उन्हें, शिवाजी की वीरता की कहानी उन्हें याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे पास कोई हथियार होते हैं, नहीं होते ना। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। प्रश्न नंबर 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। आपने कहानी पढ़ी है ना, तो उनमें बहुत सारे पुरुषों के नाम आए हैं, और वो कौन से, वीर। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, दलहोजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज, सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। ये जो थे, ये सारे जब हम लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ते हैं तो इन सब के नाम उसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 5, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है। मर्दानी से मीन्स आदमियों वाली, जैसे आदमी करते हैं ना कोई काम, वो भी वैसी ही काम करती थी, मर्दानी। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। तो आज हमने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के प्रश्न उत्तर, और अब हम करेंगे इसी के अति लघु प्रश्न उत्तर, यानी के छोटे। प्रश्न नंबर 1, महल में खुशी का कारण क्या था। उत्तर, विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई का महल में आना खुशी का प्रमुख कारण था। नंबर 2 प्रश्न, दलहोजी प्रसन्न क्यों था। उत्तर, दलहोजी क्यों प्रसन्न था, क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना था, यानी के रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दलहोजी प्रसन्न था। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया। उत्तर, क्योंकि वहां के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने झांसी के दुर्ग पर झंडा फहरा दिया। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो उत्तर, अंग्रेजों ने दिल्ली, लखनऊ, बिहार, नागपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब,
मद्रास आदि, यानी कि और भी हो सकते हैं, आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 5, रानियों और बेगमों की क्या दशा थी? उत्तर, वे परेशान थी क्योंकि उनके कपड़े और गहने खुलेआम बाजारों में बेचे जा रहे थे। प्रश्न नंबर 6, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, यानी कि हम क्या सीख सकते हैं? तो उत्तर, झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से ना घबराने, साहस, दृढ़ निश्चय, नारी अबला नहीं सबला है आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? उत्तर, लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर के मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की चाल चली। रानी उसकी चाल को समझ गई। उसने अपनी सेना की तैयारियां शुरू कर दी। उसने स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी। किनको शिक्षा दी? सैनिक स्त्रियों को, यानी के औरतों को। लक्ष्मीबाई ने डट कर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसने अंग्रेजों के कई किलों पर भी अधिकार कर लिया। अतः अंत में रानी अंग्रेजी सेना के बीच घिर जाती है। क्या हो गया था अंत में? कि वो अंग्रेजी सेना के बीच में घिर गई। रानी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 8, भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर करने का निश्चय क्यों किया था? उत्तर, भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। उन्होंने यह महसूस किया कि फिरंगी धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। फिरंगी कौन? अंग्रेज। वो जो थे हमारे भारत में बसते ही जा रहे थे। इस कारण भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर भगाने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 9, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी नारी थी। उन्हें युद्ध कला में महारत हासिल था। नकली युद्ध व्यू की रचना करना, खूब शिकार खेलना, सेना घेरना और दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की इन विशेषताओं को देखकर मराठे बहुत पुलकित होते थे, यानी कि बहुत ही खुश होते थे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई में ये विशेषताएं थी। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई के पाठ के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।